जो पिंड है वो एक लाइन में होने चाहिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं। और मस्ट उसको वो ग्रास एक पिन को भी टच होना चाहिए, और तीनों पिन एक दूसरे को टच होनी चाहिए। ठीक, चलो नाउ एक स्पून पानी लेके तीनों पिंडों पे चलाओ, और एक बिठा अंदर सबकी कटोरी में थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ, कोई कोई बोल तो दूसरा हेल्प में आओ उनको। Could you just let that person in on that Zoom? Thank you. सबको एक चम्मच में जो गंगाजल डाला हुआ पानी है वो एक स्पून लेके तीनों पिंड पे थोड़ा थोड़ा डाल। हरे पिंडा गंगा जल धारण अर्पयामि। नाउ वी टेक वन स्पून द पंचामृत, पंचामृत को एक चम्मच भर के तीनों पिंडों पे आपको छोड़ना। एषा पिंडा पंचामृत पय धारम अर्पयामि, फिर से गंगा जल छोड़ना है। एषा पिंडा पुनः शुद्धोदक स्नानम तीर्थालय स्नानम अर्पयामि। अभी जो चंदन का टीका है वो फर्स्ट फिंगर से तीनों पिंड पे करना। अम्मा विष्णु चंदन में पानी नहीं है तो डालो थोड़ा पानी। ओम मां गंगा द्वार प्रादर्शनम विष्णुं करे श्री ईश्वरे सर्वभूतानां तामे हुप्पहवये श्रियं येषा पिण्डाः गन्धं समर्पयामि। कोणे पिंड पर चलो नाउ टेक कल चढ़ाओ ना, एंड ऑलवेज चेंज दिस एंड वी यूज द फर्स्ट थिंग राइट। कल चढ़ाओ हरे ओम केशव पिंडा हरे ते शक्ति मां देवानी, थोड़ा लोड थी। हाँ, और तीनों पिंडों की जय। हरे ओम केशव पिंडा ब्रह्मणे मां विष्णवे मां महारुद्राय मां केशव पिंडा अक्षतभावे इलं अर्पयामि। नाउ द फ्लावर पैटर्न, अगर जिनके पास व्हाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर है, येलो फ्लावर है, तीनों है तो तीनों चढ़ाओ जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी का फेवरेट है वो कौन सा है, व्हाइट। या तो चेयर पर सही आप क्या इधर कुछ गड़बड़ी हुई है, मैं आप यहाँ की करते हैं क्या इधर कुछ गड़बड़ किया है। इनको जिनके पास व्हाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर है, येलो फ्लावर है, ब्रह्मा जी का फेवरेट व्हाइट कलर है, विष्णु जी का फेवरेट येलो कलर है, और रुद्र का शिव जी का फेवरेट रेड कलर है, तो तीनों भी चढ़ा सकते हो, और नहीं है तो एक भी पढ़ा सकते। ओम ब्रह्मणे नमः वेदपुष्पं समर्पयामि, ओम विष्णवे नमः वेदपुष्पं समर्पयामि, ओम महारुद्राय नमः रक्तपुष्पं समर्पयामि। हाँ ओके, सेम पावर आपने अभी नंच गुलाल नंच जुवा, चलो अभी पावर का हुआ इसका, अभी
आप अभी गुलाल सिंदूर जो आपके थाली में सब पाउडर रखे हुए हैं वो आप खाओगे। अभी लंजक बालंजक वातंदर में उदा सिंदूर रहना समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिद्रूयताम Why we offer this power? Because in our religion से अभी ये आयुष्य रहती है। अगर हम white powder ancestor को देते हैं तो अभी ये आयुष्य रहती है, यानी कि हमारी फैमिली को लॉन्ग लाइफ का ब्लेसिंग मिलता है। अभी ये आयुष्य वृद्धि बुलाले प्रीतिवर्धन। अगर हम पिंक पाउडर चढ़ाते हैं तो हमारी फैमिली में बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है। लाले प्रतिवर्धनम सिंदूरे संतति प्राप्ति। अगर हम सिंदूर चढ़ाते हैं तो हमको नेक्स्ट जनरेशन का ब्लेसिंग मिलता है। सिंदूरे संतति प्राप्ति हरिद्रारोपणम। तो अगर हम कुमकुम चढ़ाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सभी पाउडर हमको चढ़ाने। अभी ले आयुष्य वृद्धि लाले प्रतिवर्धनम सिंदूरे संतति प्राप्ति हरिद्रारोपणम। ओम नमो भगवते महाविष्णु स्वरूपाय नमः। पिंडांते सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि। फिर से पावर आप चलाओ। तुलसी पत्र थाले पुष्पं समर्पयामि। नाउ फिर से एक अगरबत्ती। अभी आपके पास नर्स जो लाए हैं उसमें से चार या पांच फिर वो पिंड के सामने आपको बोल। अगर आपके पास पहले सुन लो। अगर आपके पास द्राक्ष है डब्बे और डब्बे नहीं, अगर नहीं है तो जो भी लाए है वो रख सकते हो। अगर द्राक्ष लाए हैं तो द्राक्ष रखो। बाकी का जो है वो आपके और अगर कोई स्वीट लाया है हुआ है अगर कोई स्वीट लाया हुआ है तो उसमें से एक ही स्वीट रखनी है। आई होप सबने प्रसाद रख लिया है। अगर कोई प्रसाद नहीं लाया है तो आसपास में थोड़ा लेके आप रख सकते हो। नहीं भी या बस थोड़ा ही रखना है, नॉट मोर देन दिस। ठीक है चलो बाकी का प्रसाद किसे रख लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार आपको पिंड के सामने पानी छोड़ना हो। ओम नमो भगवते पिंड सदेवा व्यो नमः। पत्थर क्या अगरबत्ती की ना उपाग्रयामि। देवालय मध्ये दीपं दर्शयामि। अंशदाः सान्निध्ये मिष्टानां सहितानां नैवेद्यं निवेदयामि। छोड़ो पानी। और अभी पितरों को खिलाने के लिए पूरे कितने स्टाइल
वो मैं आपको बताऊं, वो आपको कर नीचे आएगा आप चेयर पे टच कर सकते वो चेयर पे है वो चेयर को टच कर सकते अगर जो आज क्या बता रहे हो पानी छोड़ना है पुनः फिर से ओम प्राणाय स्वधा ओम उदानाय स्वधा ओम शमानाय स्वधा ओम समानाय स्वधा ओम परब्रह्मणे नमः स्वधा। આપણે બ્રહ્મને જમાડીએ ને તો પ્રાણાય સ્વાહા કહીએ, બરોબર? તો પિતૃઓના જે દેવ કહેવાય એમના પત્નીનું નામ સ્વધા, અને દેવોના જે ઈષ્ટદેવ નારાયણ અગ્નિ નારાયણ કહેવાય એમની વાઇફનું નામ સ્વાહા, એટલે આપણે આહુતિ આપીએ ત્યારે સ્વાહા બોલીએ, ભગવાનને જમાડીએ ત્યારે સ્વાહા બોલીએ, એટલે ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે, અને પિતૃને સ્વધા કહીએ ને તો જ પિતૃ એક્સેપ્ટ કરે, બરાબર? એટલા માટે તીન બાર પાણી છોડના હે આપકો ઓમ હસ્તપ્રક્ષાલયમ સમર્પયામિ ઉપચાર્યમ સમર્પયામિ સરોવરનાદે પ્રાર્થના સમર્પયામિ સબકો નમસ્કાર કરના હે ત્વમેવ માતા પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યાદ્રણમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિય વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રતિસ્વમા વા કરોમિ યજ્જ સર્વં પુરુષમૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ઓમ નમો ભગવદે બ્રહ્મણે સ્વરૂપાય નમઃ વિષ્ણુ સ્વરૂપાય નમઃ રુદ્ર સ્વરૂપાય નમઃ પિત્રવે નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વક હૃદય પૂર્વક નમસ્કારમ સમર્પયામિ પિતૃનારાયણ દેવ કી જય। चम्मच में पानी पकड़ने पनिया संगदा सिद्धिया के लिए ला सकते हैं जब चारे ना अद्य अमावस्या पितृ श्राद्ध निमित्तायाम्मा। अगर हम इंडिया में होते हैं तो किसी के एक पितृ पास किसी के पापा पास पर होते हैं तो उसको 11 ब्राह्मण को भोजन खिलाते, वो क्यों खिलाते? ब्राह्मण को भोजन खिलाने से क्या होता है? हमारे यहाँ ब्रह्म भोजन बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते पटेल भोजन किसी को बोला सुना है नहीं, ब्राह्मण भोजन सुना है। क्यों? ब्राह्मण का गोत्र होता है, उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं वो ऋषि मुनि होते हैं, यानी कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर है वो धन्वंतरी ऋषि, तो हमारे ब्लड में उनका ब्लड होता है। और हम जो सुबह पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र की बार माला करते हैं, हवन यज्ञ याद करते हैं, तो आपका अन्न हमने खाया है तो वो फल आपको भी मिलता है, वो हम आशीर्वाद आपको दे सकते हैं। अगर आपके बैंक में क्रेडिट है तो ही आप किसी को पेमेंट कर पाओ, अगर आप ही डेबिट हो तो आप किसी को पेमेंट कर पाओगे? तो ब्राह्मण को आशीर्वाद देने का क्वालिफिकेशन है, इसीलिए ब्राह्मण भोजन बोलते हैं, ब्राह्मण दान बोलते हैं, ब्राह्मण। हाँ, हम चैरिटी वगैरह करते हैं वो बहुत अच्छा है, वो करनी ही चाहिए, मगर
जो सुपात्र जो होते हैं सुपात्र को दान देने से पुण्य मिलता है, उपात्र को दान देने से हमको पाप मिलता है। अगर आप ब्राह्मण को 5 पाउंड दोगे तो वो क्या दूध लाके साक लाके खाएगा, कुछ यूज करेगा, और किसी दूसरे को देगा वो पिएगा, अपने बीबी को मारेगा, तो वो पाप किसको लगेगा? उसको तो लगेगा, पर जिसकी वजह से वो पिया हुआ है उसको भी वो पाप लगता है। तो दान भी सुपात्र को बताया हुआ है। तो आज आपको आपके दिमाग में जो भी ब्राह्मण आते हैं उनको भोजन के हिसाब से आप लोग खुद भी दे सकते हो, ठीक है, रोकुन भी दे सकते हो, रोकुन नहीं ला सकते हो। हमारे यहाँ तो सीधा का रिवाज होता है कि हमारे फार्मिंग में पहले जब अनाज उगता था ना तो पहले ब्राह्मण का अलग निकालते थे। क्यों? क्योंकि हमारे सभी के घर में 5 5 टाइप्स के पाप होते थे। वो झाड़ू लगाते हैं जो कीड़े मकड़े मर जाते हैं वो भी पाप लगता है। अभी हम जो पानी पीते हैं वाटर, वो साफ सफाई या सब कुछ करके उसमें जो बैक्टीरिया मर जाते हैं ना वो भी पाप लगता है। उसकी वजह से हमारे पहले सब बुजुर्ग थे वो चूल्हा अग्नि था उसमें चावल और घी का हवन करते थे, उसको प्रायश्चित हवन कहते थे। प्रायश्चित हवन क्या बोलते हैं? प्रायश्चित प्रायश्चित हवन, प्रायश्चित यानी कि हमारी जो डेबिट है उसको क्लियर करने के लिए जो हवन होता था, जो हमारे आजू बाजू के जो भी इनविजिबल थिंग थे उसको शांत करने के लिए वो प्रायश्चित हवन होता। वो सब बंद हो गया तो सब प्रॉब्लम चालू। तो अभी तो हर रोज तो नहीं कर सकते, मगर ये जो पितरों की वगैरह पूजा वगैरह होती है तब हम ये संकल्प करते हैं कि भाई हमारे पितरों जिनके बैड कर्म के लिए वो हेवन में नहीं गए, उनके जो भी संचित कर्म थे, कौन से संचित, कायिक वाचिक मानसिक स्पर्शास्पर्श लघु पापा, कायिक यानी कि बाय बॉडी से जो पाप है, किसी को हर्ट किया है, गाय को मारा है, कुत्ते को मारा है, सांप को मारा है, किसी आदमी को मारा है, किसी औरत को, वो भी पाप लगता है। काय का वो बाय बॉडी हो गए। वाची का बाय स्पीच, हमने कुछ गलत बोला, किसी को बुरा लग गया कि ये मेरे को, ये भी पाप लगता है। काय का वाची का मानसिक बाय थिंक, हमने कुछ पाप किया वो भी पाप लगता है। काय का वाचिक मानसिक स्पर्शास्पर्श भुगतान, किसी को ना खाने का खाया है ना पीने का पिया है, वो सब दोष कहाँ पे जाके बैठते हैं? अन्न पे। आपकी जो फूड है ना, हमारे पहले बुजुर्ग थे ना, वो अगर कोई दूसरे जाता है तो उसके घर पे जाके पानी भी नहीं पीते थे, खाना भी नहीं खाते। क्यों? जो भी दोष है वो अन्न पे जाके बैठते, जैसा खाओगे वैसा ही आप। तो जब ये सब श्राद्ध कर्म होता है, पितृ कर्म होता है, या हमारे घरों में पहले जो भी कुछ अच्छा कर्म होता था, मांगलिक कार्य भी होते तो भी ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाते, ब्राह्मण को बुला के सीधा देते, वो सब दे देते। क्यों? कि जो भी हमने आज तक जो भी हमारे बैड कर्म है, जो भी हमको जो वो आज जो हम करें वो आपके लिए नहीं, वो आपके एंसेस्टर, क्योंकि जिसकी वजह से जो उनका कार्मिक टक्कर आ गया है और उनकी गति नहीं हुई, ये आपके कर्म के हिसाब से आपकी गति होती। तो अगर वो भगवान के धाम में नहीं जा पाए, उनका जो भी रीजन है, वो रीजन को आप डिस्ट्रॉय करने के लिए जितनी आपकी डेबिट है उससे 1 पॉइंट आप क्रेडिट करोगे तो आपकी डेबिट 10 पॉइंट है, ठीक है, पर आप 5 पाउंड क्रेडिट करोगे तो बैलेंस बताएगा नहीं, मगर ऑलरेडी वो आपकी डेबिट कम होती, आपकी डेबिट कम होती। तो जो भी पितरों का कर्म है, जो भी पितरों है जो उनकी गति नहीं हुई, उनके बिहाफ में आप जो भी दान करते हो तो वो सब पुण्य आप उनको देते हो। तो आज जो भी दान करते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने मेरे पापा के पीछे ये दान किया है, मेरे पापा के पीछे ये मैंने पूजा की है, मेरे पापा के पीछे ये मैंने किसी को हेल्प की है, तो वो भगवान को
कैसे क्लीन करके अभी सभी दान के संकल्प, तो आपके दिमाग में जो भी ब्राह्मण आते हैं, आपके घर के ब्राह्मण है वो भी ठीक है, आपके यहाँ के ब्राह्मण को भी दे सकते हो, या आपके फैमिली के जो पंडित है उनको, क्योंकि उनको पता है आपके फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो उनको भी आप दान कर सकते हो कि ये श्राद्ध कर्म के निमित्त से नहीं घुस ठीक है। चलो सर्वापितृ श्राद्ध कर्म फल प्राप्ति अर्गम सर्व पितृ कायिक वाचिक मानसिक दोष निवारणार्थे सबको बोलना है ब्राह्मण भोजन निष्क्रिय दान अहम। हाँ आपके जिसकी वजह से जिनको इंटेंस लेके आप पूजा करते हो उनका नाम याद करके पीली पानी छोड़ समस्त पितृ अर्धे अर्पयामि पुनः जन्मादाय खर्च फिर से समझने पड़ेंगे। एवं मा कृते शिक्षणं संघा सिद्धि अर्थं मा समस्त पितृ गण मानसिक दोष निवारणार्थे ब्राह्मण भोजन तर पर्यंत ब्राह्मण भोजन दक्षिणा दान कर्म अहम करिष्ये तत्सत् पितृ अर्पणं छोड़। आप जो भी रॉ मटेरियल ब्राह्मण को देते हो, जितने दिन ब्राह्मण के घर में वो यूज होता है ना, उतने पंडितों को आपने खाना खिलाया सब ठीक से चमन में पानी पकड़ना है। कृष्ण जी ब्रह्मा संगदा से दिया रघम मध्य जी ने सर्व पितृ मावश्या प्रसिद्धि अर्धम देवालय सहित सर्वे भक्त जनानां भटपिनां कुमारिकानां ब्राह्मण भोजन निष्क्रिया सहित समस्त पूजन अर्चना पितृ अर्थे तत्सत् पितृ अर्पणमस्तु। नमस्कार करो। हरे ओम नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय नारायणाय। जो भी सिंदूर वगैरह जो कुछ लाए हो वो पिंड के सामने रख दो, या वहां पिंड पे टच करके पीछे भी रख सकता। अभी हवन सब जो भी आप ये इसके निमित्त लाए हो वो पेड़ के थाली को टच करके या आगे या पीछे रख सकते हो, और जो भी दक्षिणा आपको रखनी है वो पेड़ के सामने आप रख सकते हो। नमस्कार करना है सब रख के जो जैन से उनको लंबे रुके नमस्कार करना सब जो हो सके। બધાને 5 મિનિટ ની બ્રેક છે ઉભા થઈ શકે તમારી જે વસ્તુ છે ત્યાં રાખી લાંબા થઈને પગે લાગો અને યુ ઓલ મસ્ટ લિસન હિયર બધાને રિક્વેસ્ટ છે એવરીબડી હે યાદ કરી અને સોરી કહેવાનું
ના બોલતા બીકોઝ ઈ આપણે નડ્યું હોય અને એના માટે આપણે આ પૂજા કરવા બેસવું પડતું હોય એટલે બાય મિસ્ટેક આપણે કઈ બોલી ગયા હોય આપણા એન્સેસ્ટર ને પિતૃઓ ને વેન દે આર ઇન અર્થ તો એના માટે આપણે બધાએ સોરી કહી દેવાનું અને કદાચ એ આપણને કઈ બોલી ગયા હોય ને આપણને લાગ્યું હોય તો એ બી આપણે એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું અને બધા ઇમોશન માંથી એ લોકોને ફ્રી કરવાનું अगर अपने हमारे जो भी पितृगण हैं उनको कुछ भी हर्ट किया है कुछ बोल हमने बोल दिया उनको बुरा लगा है तो उनके लिए उनको सॉरी कहना है और अगर वो आपको कुछ बोले थे आपको बुरा लगा तो वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है और उनको वो सभी इमोशन में से उनको फ्री करना है ठीक है तो जब ये हमारे इमोशन का पुरस्कार होता है तभी ही वो फ्री होके हेवन में जा सकते हैं वरना नहीं जा सकते ठीक है दंडवत नमस्कार करके आप खड़े हो सकते हो अभी सभी अपने जो पिंडदान की थाली है वो उठा के आपके पेरेंट्स के जो फोटोग्राफ है वहां पे वो थाली रख लो जो पूजा की जो पिंड वाली थाली है जो हमने पिंड पूजा की है सामान यहाँ पे रखना है सिर्फ पिंड की जो पूजा की पिंड हमने रखे हुए थे वो थाली आपके एंसेस्टर की फोटोग्राफ है हाँ वो अगर कुछ दक्षिणा पिंड के पास रखी है वो पंडित जी को आके दे सकते दैट इज या नॉट कंपल्सरी बट आप दे सकते हाँ यहाँ भगवान के सामने रख खाने का लाया जाता है अपने किसी की वो दर्द की वो ग्रास की रिंगर निकली गई हो तो प्रॉब्लम नहीं I think that you have to come here. So what? You have to come to get that. अभी जो सीधा वगैरह जो सामान आए वो अपने पास ही रख वो लास्ट में देना है अभी ये हवन वगैरह होगा वो अभी ये जो आपकी पूजा की थाली वगैरह यहाँ पे है वो हवन के सामने से लेना है ले लेना है
We don't want the panchakur, just we need only the puja thali. जो चावल और वो पाउडर वगैरह जो रखे हुए थे वो ही थाली हमको चाहिए, पंचामृत अभी नहीं चाहिए. हाँ हाँ हमको सिर्फ पानी की कटोरी चम्मच और पूजा की थाली थी वो ही चाहिए. यहाँ पे जिनकी पूजा की थाली है वो थोड़ी एक साइड पे कर दो तो सबको पूजा में अभी बैठ सके, ऐसी व्यवस्था. जो हमने सोफारी वगैरह जो पूजा की थी वो भी आपके पिंड की जो थाली है उसे नहीं रखो, वो पान के पत्ते के साथ जो विष्णु भगवान की हमने पूजा की थी वो सोफारी की वो आपके पिंड की जो थाली है उसे नहीं रखो. सिर्फ पान का पत्ता और जनोई वगैरह जो हमने पूजा करके रख ली थी मगर जो हमने वो विष्णु भगवान की पूजा की थी ना वो पान का पत्ता रख के वो आपके आप पेंट जो रखे हैं वहां पे रखते हैं सब. हाँ ये अभी आप पानी चाहिए हमको, पानी की कटोरी और चम्मच चाहिए. Sorry, I know, yeah. कोई ना पंचायत
No, that one is like this world is a mortal world. Most nobody here. लंदन में इसी सेम मैंने आपको दिन पूरा मेरा इसलिए एक और शांति
We must sit here. Now we need the four people for the Brahman and then we offer the Lakshmi. So you must sit here. Is yes, yes. We invited everyone for the one by one, but not enough. Any more Brahmin ladies will be good. I mean, if that's okay. Sure. Om Mangalam Brahmanishnam Salam Guru Lad Varya Mangalam Shri Kaka Om Dalaya Tanu Vargi Sarva Mangalam Shri Sri Sarva Vali Kedarakenam Gegauni Nara Yadu Kupre Om Sarva Jnana Madhuni Hi Brahma Paye Anita Abhinina Manajan Shri Vaki Jain.
Everybody trust these four people because now we are doing ninth planet hour, right? Why the ninth planet hour? Like this. And when I see Swaha, we use only this three finger and quantity is not more than me. Okay? ग्रह का हवन करना है क्यों करना है कि सूर्य नारायण का हवन करता है करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है चंद्र भगवान मून का हवन करते हैं तो मन की शांति मिलती है और वेदों में कहा कि हिरण्य बनाम हरणीम सुवर्ण रद तत्म चंद्राम हिरण्य लक्ष्मी अच्छी से अस्थि अच्छी हेल्थ भी भगवान मून देते हैं हमको भगवान मंगल की पूजा करने से हवन करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और सारे अच्छा घर नई कार नया घर वो सब भगवान मंगल की कृपा से मिलता है भगवान बुद्ध की कृपा से हमको बिजनेस का नॉलेज और एजुकेशन वगैरह भगवान बुद्ध की नॉलेज से मिलता है भगवान जुपिटर है वो हमारा प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी भगवान का फ्रेम वगैरह देते हैं उसके पीछे येलो या व्हाइट सर्कल होता है ऐसा सेम इनविजिबल सर्कल हमारी बॉडी के आसपास घूमता है वो जुपिटर का प्रोटेक्शन रहता है कि हमको कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं हो और भगवान बिना शुक्र शुक्र का हवन करते हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ मिलती है
भगवान शनि का पूजा करते, शनि सबसे स्लो चलना चलने वाला प्लेनेट है, साढ़े टू एंड हाफ लक्ष में एक स्टेप बढ़ते हैं, जिनकी भी राशि में शनि महाराज आते हैं उनका काम सब डिले होता है, और जिनकी सड़ा साथी है तो उसको एक्सीडेंटल प्रॉब्लम रहता है, वो सब गर्मी डिस्टर्ब होता है, कितने साल तक, साढ़े सात, सेवन एंड हाफ इयर्स तक, ठीक है। इसके लिए सब शनि महाराज की पूजा वगैरह वो सब पंडित के पास करवाते हैं। तो आज और राहु और केतु, राहु और केतु हमने कोई भी गलती की है तो पनिशमेंट देने वाले राहु और केतु है, तो आज भगवान को प्रार्थना करो कि ये मंदिर के अंदर हम जो नवग्रह हवन करते हैं उसका सबको, आप सबने संकल्प किया है तो हवन हम तीन कर चार लोग कर रहे हैं मगर फल सबको मिलता है, क्योंकि आप लोगों यू ऑल द नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है राइट आप लोगों ने संकल्प किया है, जी जो साइन करेगा उसके घर में पांच आदमी रहते हैं मगर नाम किसका होता है, मैं इसके नाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम सब हम करेंगे, आप टच करने नाम स्टार्ट। नमामि सस्नं सोमं सर्वोत्तमं ह्रीं चंद्रमसे स्वाहा 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 धरणी गर्भस्थूलं विद्युत्नाशेषमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। Rim Omaya Swaha, 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 Rim Omaya नीलांजन समावासं रवि पुत्रं यमागृतम् छाया मातंड संबोधन तंगमावे सनिष्ठरम रेम सनिष्ठराय स्वाहा रेम सनिष्ठराय स्वाहा अर्धकार्य महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सेका गर्भ संबोधन चंद्रा भूषणमाग्यम रेम राहवे स्वाहा 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 संका संतार काग्रमुत कंग्रोद्रम रुद्रा कंगोरम तमके चंद्रमाम्या रेम केद्वे स्वाहा 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 का जितना मुख होता है उतना ही उसको फोड़ देते हैं। अग्नि नारायण का जितना मुख होता है उतनी ही उनको आहुति देते हैं। मैंने बताया कि इतनी क्वांटिटी का है। ये
लेकिन मेरे तो आप सबको हवन करवाना है तो थोड़ी थोड़ी कम मिनिस्टर होता है ना उसके आसपास दो मंत्री सब उनके आदि और प्रत्यादि नाइन प्लैनेट है उनके भी दो दो रहते हैं उनके पास उनके अधिक सत्याधिक को भी हमको आहुति देनी पड़ती है ठीक है। ओम ईश्वराय स्वाहा ओम माये स्वाहा ओम नाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा रामदे स्वाहा गाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा 10 साइड गॉड 10 साइड माथी अपना फैमिली में प्रोटेक्शन था इष्टमा गॉड इंद्रापुर प्रोटेक्शन था ભગવાન વાયુ હનુમાનજી આપણું પ્રોટેક્શન કરે નોર્થમાં ગોળ કુબેર આપણું પ્રોટેક્શન કરે ઈશાનમાં નોર્થ ઈસ્ટ કોર્નરમાં ભગવાન શિવજી આપણું પ્રોટેક્શન કરે ઉપર ઉર્ધ્વમાં બ્રહ્માજી આપણું પ્રોટેક્શન કરે અને પાતાળમાં અનંત ભગવાન આપણા આપણું પ્રોટેક્શન કરે એટલે 10 સાઈડના ગોળને પણ આપણે આહુતિ આપવી પડે ॐ पूर्वे इंद्राय स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा ॐ यमाय स्वाहा ॐ नैरुते स्वाहा ॐ वरुणाय स्वाहा ॐ वायवे स्वाहा वीराय स्वाहा उच्चानाय स्वाहा हे ब्रह्मणे स्वाहा ॐ अनंताय स्वाहा ॐ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पापकारकमेव वन्दनान् પાંચ મેમ્બર આવે છે Three and three. Nine people coming first and coming okay. Three people. पहला जो पूजा करावा देखा था जैने जनरल तेरे से people आई हो nine people come. जो पंचामृत की कटोरी थी वो एक कटोरी में पंचामृत कर दो और वो कटोरी लेता और आपको हवन सामग्री दे आपकी जो पंचामृत वाली कटोरी थी क्या दूसरी भी कटोरी है प्लेट है को ले બેઠ નહીં સકતે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હૈ અગર કોઈ ઓલ્ડ પીપલ હૈ કોઈ બેઠ નહીં સકતા હૈ તો ખડે ખડે ભી હવન કર સકતે હા હા કર Thank you.
समय आगमन करवाना और ये मुझे आपके पास आ गया आप आ रहे हैं मेरे पास मुझे कहीं बाबा नहीं होगा आप सबके पास सारी सामग्री आ रही है नॉट मोर देन और बाहर में पास आके ऐसे करके ऊपर से छोड़ ऊपर से ऐसे छोड़ ॐ द्रं पकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मौरवाजुकमेव पञ्जनान् रतिर्क्षेयमामृता स्वाहा ॐ द्रं पकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मौरवाजुकमेव पञ्जनान् रतिर्क्षेयमामृता स्वाहा ॐ द्रं पकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मौरवाजुकमेव पञ्जनान् रतिर्क्षेयमामृता स्वाहा गायत्री हवन राइट आप
हवन कुछ बाहर आ जाएगा ज्यादा अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो मेरे को मत भगवान को ज्यादा फैला हो गए जैसा देव को हम देते जैसा देव जैसा देव तो इतनी इच्छा बच्चे का मुझे उतना ही उसको वाला देते ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय ओम गुरु गुरु पास्वा तत्र वेदु बारे यम
यथाशक्ति नारायण करे ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा। यहाँ पर स्थापित यहाँ के जो भगवान मिठाई हुए इन सब के नाम की आहुति Thank you.
Easier to digest. Okay. Everyone take like this, I think less than this, and do like. Okay? Like we are our enemy. But we don't want to destroy that enemy. But એ એનિમીને આપણે મારવાના નથી પણ એ લોકોની આપણા તરફની જે કઈ ઉજવી હોય બરાબર હા એ ચેન થાય ભગવાન એમને માતાજી સારી બુદ્ધિ આપે પણ હા બુદ્ધિના દેવી ભગવતી સરસ્વતીની એક દેવી થાય બગલામુખી દેવી રાઈટ એ માતાજી એવા છે કે આપણા શત્રુ હોય એને શાંત કરે આમ તો નાશ કરે પણ આપણે આપણે કોઈ શત્રુને મારવાના નથી પણ આપણે જે કઈ કદાચ કોઈની નજર લાગી ગઈ હોય બરોબર મારી પાસેમાં નજર લાગી ગઈ એમ કહીએ કિસીની બુરી નજર લગ ગઈ એસા કુછ હે તો યે મંત્ર ઓર મંત્ર કા હવન કરને સે વો સબ ખતમ હો જાતા હૈ ઠીક હૈ તો અગર હમારા કોઈ ભી એનિમી હૈ ઉસકો યાદ કરના હૈ મગર ઉસકો મારના નહીં उसकी जो हमारे और जो बुद्धि है जो हमें हमारे लिए जो थिंक करता है वो चेंज हो जाए लविंगली उसकी एनर्जी हो जाए इसके लिए हम ये हवन करते हैं ठीक है बिकॉज हम जैसा देंगे वैसा ही हमको मल्टीप्लाई 1000 करके मिलता है ठीक है तो ये मंत्र जब बोलते हैं और मंत्र खत्म होने के तक ये आंखें बंद रखनी है और उसके बाद हवन करना है बराबर ओम लेम पगलाम किम मम शत्रुणाम भाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय वृत्तिम विनाशय लेम ओम ओम फट स्वाहा के ऊपर थोड़ा पानी ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्तांगलो वियाय स्मरे पुनरेकाक्ष सर्वाल्याभ्यंतरत्सुकेहि पवित्र करणम सुचि वस्ते जलमादाय शुक्ला यू ऑल रिपीट विथ मी मम मम शुक्ला पवित्रो पवित्रो शांति शांति भरते भरते कुमणा हुंति हुंति ओम 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 हरि हरि भी एक कोकोनट दे दो हमारा यज्ञ कुंड एक ही है तो एक ही हाँ ठीक है
આપણે ભગવાન ને છે અને આપણે બધા ઉભું થઈને જઈને કરતા પડે લક્ષ્મી નારાયણેશ્વરાક્ષ્મી પાપાત્મના પ્રદેશ બુદ્ધિ શ્રદ્ધા સતાં કુલજન પ્રભવ્યમ પરિપાલય દેવી વિશ્વમ કિં વર્ણયામ તવ રૂપમચિંત મેતિવીર્યમસુરાક્ષયકારી ભૂરિ કિંચાહવેશુ ચરિતાનિ દેવાદ્ભુતાનિ સર્વેષુ દેવ્યસુરદેવ ગણાદિકેષુ હેતુ સમસ્ત જગદં ત્રિગુણાર્પિતોષે અર્ઘ્નાય શ્રી હરિહરાદિ વિરાવ્યપાર સર્વાક્ષયાખિલમિદં જગદં સભૂત મવ્યાકૃતા હિ પરમા પ્રકૃતિ સ્વમાર્યા યસ્યા સમસ્ત સુરતા શમુદીનેન પ્રાપ્તિં પ્રયાતુ સકલેષુ મખેષુ દેવી સ્વાહા શિવય પિતૃમણાશ જૃપ્તિ હેતુરૂચાય શેષમત એવ ધ્વનિ સ્વધા ચ નમો દેવ્યે મહાદેવે શિવાયે સતતં નમઃ નમઃ પ્રચોદ્યવજદાયે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય ગોવિંદાય નમો નમઃ લક્ષ્મી નારાયણ ધારયન્ ચક્રુરાય ઓમ નમસ્તે સ્તુ મહામાયે શ્રીપીઠે સુરપૂજિતે શંખચક્રગ્રાહસ્તે મહાલક્ષ્મી નમોસ્તુતે મહાલક્ષ્મી માતે જય. Today we do one by one. Good, no, thank you. Well done.
Yeah, we're actually using the Zoom, but I'm going to come out of the Zoom in a minute, in a 15 minutes. Yeah. No, actually, for a Zoom, rushing down. In, I can come out of it in, say, 5 minutes. So you can join in. Thank you.
Listen, everyone, you doing aarti for the God as well your ancestor photo. બરાબર દરેક ભગવાનની આરતી તો પછી પણ તમારા પુત્રોનો જે ફોટો રાખ્યો છે ત્યાં બી આજે આરતી કરી છે We were going to be in this way.